माशाल्लाह जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और रमजान बड़े अच्छे तरीके से मना रहे होंगे, अपने रोजे रख रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा चले आज मैं आपको रोल बनाना सिखाती हूँ, चिकन रोल बनाना, जिसमें हम वेजिटेबल भी यूज़ करेंगे और अपनी चिकन भी यूज़ करेंगे। तो चिकन हमारी तकरीबन आप ले रहे हैं तो मैंने आधा किलो लिए, आप चाहें तो एक किलो भी ले सकते हैं, जितना आपको चिकन पसंद है। ये हमारी बंद गोभी, मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया। ये देखें, ये हमारी शिमला मिर्च हो गई, तकरीबन मैंने आधा किलो हमारी चिकन है, एक पाव हमारी बंद गोभी और आधा पाव हमारी शिमला मिर्च है और आधा पाव हमारी हरी प्याज होती है। दोनों ऊपर और नीचे दोनों हिस्से हमने लंबाई लंबाई में काट ली है। हमारी गाजर है, लंबी लंबी भी काट ली है वैसे भी। ये तकरीबन हमारी आधा किलो हो गई, क्योंकि गाजर बड़ी अच्छी लगती है। तो और ये हमारा लहसुन है, जो हमने तकरीबन 3 पीस लेके उसको बारीक बारीक काट लिया। उसके अलावा ये हमारी पट्टियाँ हो गई, रोज़ की आप बाज़ार से ले लें, नहीं तो घर में बना लें, ये घर में बन सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये चम्मच हो गया जिससे हम बनाएंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। नमक हो गया और इसमें हमें सिरका चाहिए, सोया सॉस चाहिए, काली मिर्च चाहिए, हॉट सॉस चाहिए, चिली हॉट सॉस चाहिए। इसमें जो एक मैं ऐड कर रही हूँ सिराचा एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस है, ये बहुत ज़बरदस्त, उसका टेस्ट बड़ा प्यारा होता है, तो ये भी मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने डाल दिया अपना प्यारा सा लहसुन जो हमने बारीक बारीक काट लिया था, ठीक है। तो थोड़ा सौते करेंगे, सौते इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम तो सौते नहीं करेंगे तो ये कच्चा कच्चा रह जाएगा, इसका थोड़ा सा पकना जरूरी है। अगर ये नहीं पकेगा तो इसकी स्मेल आएगी, आपको पता है लहसुन की थोड़ी सी स्मेल आती है, वो बुरी लगती है। तो थोड़ा सा इसको हम कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुक करना है। ये देखिए, ये हल्का हल्का सा हो गया, बस ज़्यादा पके नहीं, लाइट सौते करना है। ये हमने सौते कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन, चिकन में जो हल्का सा स्मेल है वो भी ख़त्म करने के लिए हमको थोड़ा सा पकाएंगे। रहीम, ये हमने उबाल के, हमने नमक मिर्च और चिकन को डाल के उबाल लिया था, फिर इसको हमने बारीक बारीक इस तरह मिक्स कर लिए थे। ये अगर जिसको नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको क्या होगा, हम इसको लहसुन के साथ इसको सौते करेंगे ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत ही स्मेल रह गई है ना, क्योंकि बार लोगों को स्मेल बड़ी बुरी लगती है चिकन की, क्या स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर ऑयल नहीं चलता, लेकिन ये थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं ना, उसको भी आप ऐसे ऐसे करके कर लें ताकि बिल्कुल रेशे अच्छे हो जाए। वो मोटे मोटे आते हैं फिर तो बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक है। ये हमारी चिकन तकरीबन अच्छी हो गई है, तो हम अलग निकाल लेंगे और फिर हम सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना करें। ये हमने पहले गाजर कर ली, जो गाजर थोड़ी सी वो होती है हार्ड होती है, तो उसको फिर हम थोड़ा सा फ्राई कर लें तो क्या होगा, ये नरम हो जाएगी और खाने में मज़े मज़े की लगेगी, ज़्यादा नहीं करते थोड़ा सा करते हैं। प्यारा कलर है गाजर का, सूरत आपकी मर्जी से लंबा लंबा काटने से क्या होता है, इसके बड़े अच्छे रोल बनते हैं, क्योंकि वो जो हम गोल गोल बहुत बारीक बारीक काट लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कसूमा सा बन जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ये होता है कि कसूमा सुबह नहीं बनता, क्योंकि इसमें हम डालेंगे अपनी हरी प्याज का वाइट एंड ग्रीन का दोनों दोनों डाल दें। डालने का मकसद ये है कि अगर हम इसको एक साफ करेंगे ना उसको वो मज़ा नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा सा करके उसको कुक करना है, लेकिन सब्जी भी इसमें ये काम हो जाए, तो ये ना कहे कि मुझे ना पकाया, सबको पकाया भाई। तो सबको कुक करना है, हमने थोड़ा सा करना है, तो ये होता है कि इसकी जो स्मेल है या जो भी थोड़ा कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा हो गया। इसके बाद हमने डाली अपनी शिमला मिर्च, बड़ी प्यारी थी। शिमला मिर्च तो पता है कितनी मासूम है, काली मासूम है, इसका सब्जियों का ठेका इसमें ले लिया है, क्योंकि ये एकदम फौरन कुक हो जाती है, बिल्कुल नाराज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने ना बनना नहीं, ये बन जाती है। वो भी इस तरह से बनवा लेंगे बंद गोभी, हमारा खाल बिल्कुल मीडियम सी हो गया, साफ सुथरी है।
आपको बंद गोभी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप ना डालें, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी है। मगर बंद गोभी बड़ा फ़ायदेमंद होती है और सॉल के लिए बड़ी बेस्ट होती है। आपको पता है सैलड में भी यूज़ की जाती है, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बच्चा डालने के लिए आपको देता है। अच्छा थोड़ा सा देखिए कि गिर ना जाए, प्यार से आपको पता है सब्जियों को बड़ा प्यार है, बच्चे लेके चलना पड़ता है वरना ये नाराज हो जाती है, जल जाती है, जल जाती है तो फिर इनका टेस्ट बिल्कुल कड़वा कड़वा सा हो जाता है, तो जलाना नहीं है इनको, बड़ा प्यार से इनकी मोहब्बत से डालना है। तो चल ये हमारी चिकन है, मैंने चल रहा है चिकन सारी सारी चिकन इसमें डाल रहे हैं, मंडल इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा स्पाइसी टेस्ट बढ़ाने के लिए थी ये हमने चिली हॉट सॉस डाल दी, ज़्यादा नहीं हमने डाली है, काली मिर्च ये सबसे बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आ गया है। और इसे मैंने हमें डालना है पचास सिरका तकरीबन दो टेबल स्पून, इसके क्या होता है ये सब्जी है ना सब नहीं होगा, इसे हमने डालना है सोया सॉस, सोया सॉस का तो टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये भी टेबल स्पून डालना है, ठीक है ये हमने डाल दिया। और इसके अंदर मैं शुगर भी डाल दी, शुगर से बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है, चटपटा सा लोग इसके अंदर कैचअप भी डालते हैं, मगर कैचअप नहीं आप थोड़ा सा ऐसे शुगर डालते हैं, 1 टेबल स्पून शुगर डाल दें, 1 टेबल स्पून से सॉल्ट डाल दें और ये रेडी है। बस मैं इसके अंदर अभी नमक डालती हूँ, नमक डालना है 1 टेबल स्पून, तो ये हमने डाल दिया और इसके अंदर शुगर दे देंगे 1 टेबल स्पून, आपने डाल दी देखिए ना, अगर आपको उसमें नमक मिर्च कम लग रहा है तो आप इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो उसके अंदर आप हॉट सॉस डाल दें, सराचा डाल दें, और अगर थोड़ा कम पसंद है तो काली मिर्च डाल दें, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है मिर्चें तो वो हरी मिर्चें बारीक 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 काट के उसमें डाल दें, जब वो खाएँगे ना रोल तो वो मिर्चें मुँह में आएंगी, वो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए हमारा ये बैटर तैयार था, ये ठंडा हो गया और अब इसको हम क्या करेंगे, हमारी रोटी पट्टियाँ इस तरह हमारे पास हैं, आप बाजार से ले लेंगे घर पे बना लें। और ये हमारा मैदा हो गया, ये हमारा फ्लावर है, तो तकरीबन आधी प्याली में हमने 1 चम्मच डाला है, 1 टेबल स्पून डाल के इसको मिक्स कर लिया है, ये हमारा ब्रश है जिससे हम यूज़ करेंगे, बीच में इसको सेंटर में रखना है, उसके बाद फिर हमने इसको इस तरह जैसे अंदर जाओ बच्चों अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर, सारे बच्चे चले गए, इसको हमने बच्चों को सबको अंदर कर दिया, कोई नज़र नहीं आने चाहिए बच्चे, और उसके बाद फिर हमने इसको इस तरह लपेटा, थोड़ा सा हो जाती है मिस्टेक के वो छोटी थोड़ी फटना छोड़ देती है, मगर कोई मसला नहीं है, देखें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये देखिए हमारे रोल तैयार हो गए सारे और इसको हम फ्राई करेंगे, तो चले हम फ्राई करें हीम, चले हम बनाते हैं अपने रोल जो हमने बड़े प्यार से बनाए हैं, ये देखिए ज़्यादा गर्म ऑयल में मत करिएगा, मज़ेदार नहीं बनेंगे,